लिट्टी तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जिस दुकान पर आए हैं यहाँ का लिट्टी यदि नहीं खाए है तो आप एक अमेजिंग लिट्टी का स्वाद नहीं लिए। सो नमस्ते, स्वागत है नए और एक वीडियो पर। आज हम लोग पटना के देवीलाल जी के फेमस लिट्टी चिकन खाने के लिए आए हैं। लगेगा आधा घंटा कम से कम। आधा घंटा, हाँ कोई है ये। दुकान का टाइमिंग है 4 बजे से, हम लोग चले आए 3 बजे। बहुत भारी है ना भाई? 40 पूरा बाहुबली स्टाइल में भैया ने दूसरा तवा लेकर आए, तो देख ही सकते हैं आप एक एक करके सब लगाया जा रहा है। ये लिट्टी लेकर जा रहे हैं, फ्राइड लिट्टी है जगह का फेमस। ये तो भाई घर से प्रिपेयर करके लेकर आते हो ना? हाँ। ग्रेवी है ना ये भाई? हाँ। 2 ड्राम भर के ग्रेवी लेकर आए। ये लिट्टी चिकन इतना फेमस है कि पूरे बिहार से बहुत दूर दूर से यहाँ पर लिट्टी चिकन खाने के लिए ग्राहक आते हैं। क्या है, कलेजी है ये चिकन का? कलेजी है। 2-2.5 किलो तो? ये 5 किलो। यहाँ का चिकन पकौड़ा भी बहुत फेमस है, मैरिनेट किया हुआ चिकन लेग पीस। और ये छोटा मोटा लेग पीस नहीं है, ये पूरा लेग पीस जो है डाला जा रहा है। भैया लेग पीस का दाम कितना है प्राइस? 75 रुपये एक एक पीस का, एक लेग पीस का। कितना किलो का मीट होगा? 20 किलो। 20 किलो का। आप लोग डेली में कितना लिट्टी सर्व करते हो, मतलब बनाते हो? और 20 किलो आटा होगा। अंदर में स्टाफिंग चीज़ का है? स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग सब तो है, धनिया मिर्ची आदि। तो भाई साहब अभी डाला जा रहा है ग्रेवी विथ रोगन, और साथ में वहाँ पर है प्याज। आदमी नहीं काम तो अभी डाला जा रहा है लिट्टी। कस्टमर लोग खड़े हुए हैं अपने बारी के लिए, अपने चिकन के लिए, अपने लिट्टी के लिए। बेसिकली क्या है कि उधर आपको वो कच्चा प्याज, ग्रेवी, टमाटर, ग्रीन चिली, थोड़ा बहुत चिकन मसाले डाल के ना इसको एक चटपटा सा ग्रेवी से बहुत बढ़िया एक फ्राई किया जा रहा है, पकाया जा रहा है, और वही सर्व करेंगे। कितना साल पुराना ये दुकान है? 35 बरस पुराना है। 35 बरस पहले किला पर लगता था। आइटम सेम ही था ना, या आइटम कुछ बड़ा या कम हुआ? ये आइटम पुराना है। अच्छा। ये आइटम हम नया बनाए। नया बनाए। और ये जो रेसिपी है ये आपका ही है ना? ये जो रेसिपी है तो आपका ही है? कब हम ही बनाए? काफी वेट करने के बाद पहला बात भैया क्या स्मेल है, जबरदस्त स्मेल निकला है, काफी हार्ड है। यही इस जगह का स्पेशलिटी है। भाई साहब ग्रेवी जो बनाए, तगड़ा ग्रेवी बनाए। एकदम मसालेदार स्पाइसी, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनाए। थोड़ा लिट्टी दिखाओ। काफी टाइम लेकर लिट्टी ग्रेवी में उसको ना पकाए, फिर भी लिट्टी का खुद का जो स्मेल है, फ्लेवर है, धनिया, अदरक, लहसुन, सत्ती बराबर आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर आ रहा है। और थैंक यू टू फूड फटाफट, जिसका वीडियो मैंने देखा, विपिन भैया का वीडियो देखा, तुरंत विपिन भैया को फ़ोन किए, इनसे एड्रेस लिए और यहाँ पर चले आए।
फर्स्ट क्लास। फिर ट्राई करेंगे थोड़ा चिकन, पूरा एक लेग पीस दिया गया। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया इनका जो बॉयल हुआ है, बहुत ही बढ़िया बॉयल हुआ है। और मसाले जो है अंदर तक गया है। देखिए पूरा पटना शहर में ना आपको लिट्टी चोखा वाला चीज़ हर जगह मिल जाएगा, लेकिन देवी जी का लिट्टी यदि आप ना खाओगे ना विथ चिकन, अब कुछ मिस कर जाओगे जैसे मैंने मिस किया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उमदा ये खाना है। टमाटर, प्याज, धनिया सब मिला के, ओहो माइंड ब्लोइंग। ऊपर से एक्स्ट्रा वो जो चिकन मसाला डाले ना, वो एक अलग लेवल पर लेकर गया। एक पीस चिकन, दो पीस मिट्टी बीचों से काट के सर्व किया जाएगा। इसका दाम है सिर्फ 80 रुपये, और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा दुकान भर गया है। अंदर में भी बैठ के खाने का और एक जगह है जहाँ पर आप बैठ के खा सकते हो। ये टेस्ट फेमिलियर है, ठीक है, ये तो हर जगह ही मिलता है। साइज काफी अच्छा है, सेकंड करके उन्होंने काटा है, पहले कट लगाया है, इसके बाद उन्होंने इसको फ्राई किया, क्रिस्पी करने के लिए कट लगाया है। चिकन में एक पीस खाने का मजा भी अलग ही होता है, इसीलिए उल्लास भाई लेग पीस खाते हैं ना, चिकन लेग पीस। तो भाई साहब, देवीलाल जी की लिट्टी चिकन मुझे बहुत पसंद आया, और काफ़ी यू नो यूनिक था ये फूड, मेरे लिए तो एटलीस्ट ये यूनिक ही है। और पीछे में देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, अभी भी मतलब बहुत सारे लोग हैं लाइन पे खड़े हुए हैं इस लिट्टी चिकन के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।